ऑलराइट दोस्तों, TWS के ऊपर हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो था बेस्ट TWS ईयरफोन्स अंडर 1500। लेकिन उस वीडियो में आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था और काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स भी था कि 2000 में 2000 या फिर 2000 के नीचे आने वाले टॉप 3 सबसे बेस्ट TWS ईयरफोन्स कौन से हैं। तो पेशे आज के वीडियो में 3 सबसे बेस्ट TWS ईयरफोन्स अंडर 2000। और इस टाइम पर ये जो तीनों दोस्तों ईयरबड्स है वो आपको 2000 से भी नीचे के प्राइस में फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं। हालांकि इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 2000 से ऊपर है, लेकिन इस टाइम पर आपको ये सस्ते में मिल रहा है। तो तीनों ही दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग TWS ईयरफोन्स है, तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। खैर चलिए वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीनों की रैंकिंग नहीं की है क्योंकि आंख बंद करके भी आप लोग अगर तीनों में से किसी को भी परचेज कर लेते हैं तो तीनों ही जो TWS है वो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी है और सारी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने रैंकिंग नहीं की है, लेकिन तीनों ही दोस्तों सबसे बेस्ट है। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले ईयरबड्स के बारे में। तो ये आता है दोस्तों ओप्पो की तरफ से, ओप्पो एनको बड्स। इसकी जो प्राइस है वो है दोस्तों 1700 रुपये। इसकी ओरिजिनल प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इस टाइम पर फ्लिपकार्ट पर आपको ये 1700 में ही देखने को मिलते हैं। तो चले यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं और उस टच कंट्रोल के ज़रिए आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स तो यहाँ पर टच कंट्रोल में है ही, लेकिन वॉल्यूम वाला फीचर्स भी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ड्राइवर साइज़ की बात करूँ तो 8mm के ड्राइवर्स है, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वो IP54 की रेटिंग भी मिलती है, तो वाटर प्रूफ है। यहाँ पर आप बारिश में भी इस ईयरफोन्स को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पानी से इसको दिक्कत नहीं होगी। एंड इसके अलावा यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करो तो ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी है और इसके अलावा यहाँ पर गेमिंग के लिए आपको 80ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, तो गेमिंग के लिए भी ये अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको अच्छी नहीं मिलती है, वो है यहाँ पर आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसिलिंग नहीं देखने को मिलता है, ANC नहीं है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको INC देखने को मिलता है, इंटेलिजेंट नॉइज़ कैंसिलिंग। तो यहाँ पर बेसिकली ये भी ANC जैसा ही काम करता है, लेकिन ANC से यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन कॉलिंग क्वालिटी INC के ज़रिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिंगल में दोस्तों 6 आवर्स का यहाँ पर बैटरी बैकअप मिलेगा एंड टोटल विथ केस आपको 24 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी यहाँ पर ठीक ठाक है। और सबसे ज़रूरी ऑडियो क्वालिटी की दोस्तों बात करूँ तो ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर आपको एकदम ही क्लियर देखने को मिलती है। बेस भी यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है। चाहे तो आप लोग फ्लिपकार्ट पर इसके जो रिव्यूज़ है, रेटिंग है, वो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बेस में भी आपको 4.0 की रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि बाकी अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर आपको 3.0 की ही रेटिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पर 4.0 की रेटिंग है। और काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी मैंने देखे हैं, ऑडियो क्वालिटी दोस्तों इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो 1700 में ओप्पो के ये एनको बड्स भी दोस्तों आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे TWS के बारे में। तो ये आते हैं दोस्तों सबसे फेमस बोट कंपनी की तरफ से, बोट एयरड्रॉप्स 181। इसकी जो प्राइस है वो 1800 रुपये है, तो ये भी काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको मिल रहा है। और यहाँ पर बात करूँ इसके फीचर्स के बारे में, तो कंट्रोल से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वॉल्यूम अप डाउन जैसे फीचर्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ यहाँ पर आप लोग हैंडल कर सकते हैं टच के ज़रिए ही। इसके अलावा यहाँ पर 10mm के ड्राइवर से IPX4 की रेटिंग है, तो वाटरप्रूफ एकदम ही नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो पसीना होता है उससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ब्लूटूथ 5.2 का यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसलिंग देखने को मिलता है, ANC का सपोर्ट भी यहाँ पर मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात होती है। और इसके अलावा गेमिंग के लिए यहाँ पर आपको दोस्तों 60ms की लो लेटेंसी दी गई है, तो गेमिंग के लिए ये ईयरबड जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड इसके अलावा बैटरी बैकअप की बात करूँ तो सिंगल में आपको 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है और टोटल विथ केस यहाँ पर आपको 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, खास करके इसके जो बेस है वो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और ऑडियो भी एकदम क्लियर यहाँ पर आपको सुनाई देगा, तो ऑडियो क्वालिटी के मामले में भी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बोट की तरफ से अगर आप लोग एक सबसे अच्छे TWS खरीदना चाहते हैं अंडर 2000 में, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे TWS के बारे में। तो ये आता है डीजो की तरफ से, रियलमी की सब ब्रांड, हालांकि अब तो इंडिपेंडेंट ब्रांड है, डीजो गो पोड्स नियो।
ये भी आपको दोस्तों 1800 रुपये में ही देखने को मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट पर। और यहाँ पर फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी टच कंट्रोल्स मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस ऐप को आप लोग रियलमी लिंक ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वहीं से ही इस TWS को आप लोग हैंडल कर सकते हैं। अगर अपडेट वगैरह फ्यूचर में आते हैं तो इस ऐप के थ्रू आप लोग सब कुछ वहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, IPX5 की रेटिंग है, तो यहाँ पर थोड़े से हल्के फुल्के वाटरप्रूफ भी देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ब्लूटूथ 5.2 का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक्टिव नॉइस कैंसलिंग का सपोर्ट मिलता है, ANC का सपोर्ट है, काफ़ी अच्छी बात है ये। एंड बैटरी बैकअप की बात करूँ तो सिंगल में आपको 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, और टोटल विथ केस आपको 28 आवर्स यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, बाकी दोनों TWS से यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता है। एंड अगेन यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी के मामले में भी मैं यहाँ पर सेम ही कहूँगा, बाकी दोनों में जो कहा है ऑडियो क्वालिटी एकदम क्लियर है, बेस वगैरह यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और इन तीनों की दोस्तों डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, और बिल्ड और डिज़ाइन भी यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये है दोस्तों इस टाइम पर आने वाले 2000 के नीचे में 3 सबसे अच्छे TWS। बाकी आपको कौन से पसंद आए हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। एंड किसी अदर कैटेगरी या फिर अदर प्राइस में आप लोग इस टॉपिक पर वीडियोज़ चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियोस आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।